हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्शन क्लासी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्लासी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बैंक निफ्टी में एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करेंगे और उसके 5 साल के डाटा को बैक टेस्ट करके और उसका क्या रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके सारे डाटा को हम एनालाइज करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कोई स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको हर एक डाटा, हर एक वैल्यू का आपको पता चले और स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय करना है, क्या उसके रूल्स रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं फिर हमारे प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ बात की हुई थी और मैं एक चीज़ क्लेरिफाई कर देता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के साथ, एल्गो टेस्ट के साथ मेरा कोई टाई अप नहीं है। सो मैं जस्ट इसको एज ए यूज़ कर रहा हूँ बैक टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। सो चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो जैसे कि आप सबको पता होगा कि बैंक निफ्टी एक तो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, वॉलेटाइल होने के बावजूद भी मार्केट में आप देखोगे ओवरऑल ट्रेंड जो रहता है वो साइडवेज का रहता है, ठीक है। मार्केट साइडवेज ही रहता है ऑलमोस्ट 60-70%। आप पिछले कोई भी डाटा देखोगे तो 60-70% मार्केट साइडवेज ही रहता है, मतलब मार्केट 1% से लेके 1.5% की रेंज में ही मार्केट ट्रैवल करता है। मतलब कि अगर मार्केट मान लीजिए 40,000 रुपये है, मार्केट का लेवल 40,000 है, सो 40,000 से 1% मतलब मान लो 400 पॉइंट्स ऊपर एंड 400 पॉइंट्स नीचे। सो ये एक मार्केट की एक दिन की रेंज रहती है। ओवरऑल 60-70% मार्केट इसी रेंज में रहता है, मतलब कि 1% से लेके 1.5% या 1.2% के आसपास का मार्केट मूव करता है ऑन डेली बेसिस पे। क्योंकि 60-70% चांसेस है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, सो हम आज की जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो भी हम एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे जो कि नॉन डायरेक्शनल होगी, मतलब कि साइडवेज मार्केट को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी होने वाली है। स्टार्टिंग टाइम है इसका, एंट्री टाइम हम मॉर्निंग 9:30 एंट्री करेंगे एंड क्लोज टाइम है उसका 15:25 में। हमने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया है, जो प्राइस होगी वो कैश से हम लेंगे, ठीक है। लेग वाइज हम स्क्वायर ऑफ करेंगे कंप्लीट को, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी को आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। सो यहाँ पर बेसिकली हमने एक लॉट के हिसाब से बैक टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। बैक टेस्ट करेंगे हम, सेल करेंगे हम कॉल को। वीकली स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, वीकली जो कॉल रहेगा उसको हम सेल करेंगे। स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगी हमारी, एटीएम रहेगी, ठीक है। सो हम एटीएम के कॉल को सेल करेंगे। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या आएगा, सो हमने यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉप लॉस हमने क्या किया है, अंडरलाइंग परसेंटेज किया है, और वो कितना है, 1%। अंडरलाइंग परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि मतलब मान लीजिए बैंक निफ्टी अभी 40,000 पे है, सो 40,000 का 1% मतलब 400 पॉइंट्स। सो मार्केट 400 पॉइंट्स ऊपर जाए या 400 पॉइंट्स नीचे मूव करता है, ठीक है। सो मान लीजिए मार्केट मॉर्निंग में 9:30 40,000 पे एटीएम है, सो वहाँ से 400 पॉइंट्स नीचे या 400 पॉइंट्स ऊपर किसी भी साइड में मूव करेगा तो फिर हमारा क्या, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम स्ट्रेटजी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये इसका मतलब बनता है। तो ये हमने एक लेग रेडी कर दिया है कॉल का। सेम वे हमने पुट को सेल किया है, ठीक है। आप देख सकते हो सेल पुट वीकली 1 लॉट है, स्ट्राइक प्राइस एटीएम है और इसका भी स्टॉप लॉस सेम, अंडरलाइंग परसेंटेज 1%। तो ये हमारे दो लेग रेडी हो गए हैं। हमने इसको काफ़ी सिंपल रखा है, हम एटीएम के कॉल एंड पुट को सेल कर रहे हैं और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है परसेंटेज 1% के हिसाब से। अब इसमें बात आती है कि ओवरऑल स्टॉप लॉस क्या रखा जाए। तो हमने ओवरऑल स्टॉप लॉस इसका रखा हुआ है 1,800, मतलब कि अगर हमें मैक्सिमम 1,800 रुपये पर डे हम लॉस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का लॉस हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 1,800 का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अब ओवरऑल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब हमारा जो एम टू एम हमें दिखेगा, उस एम टू एम में हमें प्रॉफिट के साथ साथ हमें हमारे प्रॉफिट को लॉग भी करते रहना है और हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहना है। तो इसको हमने पॉइंट्स में रखा हुआ है, 25 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स। मतलब कि जैसे कि अभी हमारा 1,800 रुपये ओवरऑल स्टॉप लॉस है, ठीक है।
अब हमने 25 पॉइंट्स जब मार्केट हमारे फेवर में आएगा, मतलब हमें 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, सो 25 पॉइंट्स इंटू 25, क्यों? क्योंकि 25 का लॉट साइज़ है। सो मतलब जब हमें स्क्रीन पे 625 का एम टू एम में प्रॉफिट दिखेगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 15 पॉइंट्स से बढ़ जाएगा, मतलब 15 इंटू 25, ठीक है, इतना हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर कम हो जाएगा। तो अभी हमारा नया स्टॉप लॉस निकल कर आएगा नियर अबाउट 1400 समथिंग का, उसमें स्टॉप लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सेकंड, मैं जस्ट इसको आपको कैलकुलेट करके ही बता देता हूँ। सो 15 इंटू 25 करोगे तो ये 375 आएगा। सो इसमें से आपका 375 मार्केट से एम टू एम से कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो नया स्टॉप लॉस बनकर निकलेगा वो है 1425, ठीक है। सो आप समझ चुके होंगे जब आपको 625 का प्रॉफिट होगा तो आपका जो पहले का स्टॉप लॉस था 1800, वो अभी नया रिवाइज होकर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 1425 पे। सो अगर आपका एम टू एम मार्केट पलट भी जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो अभी आपका स्टॉप लॉस 1425 हिट होगा, ठीक है, 1800 रुपये नहीं होगा। तो ये हमारा इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बेनिफिट है। तो बस इतनी सी सिंपल स्ट्रेटेजी है, एटीएम कॉल एंड पुट को सेल करना है, अंडरलाइंग परसेंटेज 1% के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, यानी एम टू एम टोटल हमारा 1800 का स्टॉप लॉस है और उसको हम ट्रेल करेंगे 25/15 से। तो स्ट्रेटेजी को मैंने बैक टेस्ट करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी हम चलते, हमने इसको बैक टेस्ट किया हुआ है 2017 से लेके आज की डेट तक का, ठीक है, 26 नवंबर तक का, 5 साल से ज़्यादा का डाटा इसमें हमने लिया हुआ है। सो आप देख सकते हो ये उसका अंडरलाइन का कर्व है और जो ग्रीन लाइन है वो प्रॉफिट का एरिया आपको शो कर रही है। ये एम टू एम जो ड्रॉडाउन है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी हम आ जाते हैं हमारे ईयर वाइज क्या प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो आप देखिए 17 में ऑलमोस्ट आपको कोई भी मंथ है जिसमें आपको लॉस नहीं मिला है, ठीक है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी, यहाँ पर भी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। 18 में आप देखिए ओनली 2 या 3 महीने हैं, 3 मंथ है जिसमें आपको लॉस देखने के लिए मिला है, लेकिन लॉस भी आप देखिए बहुत ही कम है, 1000-2000, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 का लॉस है। 19 में आपको 2 मंथ मिले हैं जिसमें लॉस है, 20 में आपको एक ही मंथ है जिसमें आपको लॉस देखने के लिए मिला है, एंड ये 21 में भी 1 मंथ है जिसमें आपको लॉस देखने के लिए मिला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और बात करते हैं हमारे 22 की, जो अभी करंट ईयर हमारा है, उसमें आपको 2, 3 और 4 मंथ आपको लॉस देखने के लिए मिला है जिसमें आपका मैक्सिमम लॉस है 6000 का पर मंथ के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं हमारे ड्रॉडाउन की और ईयर वाइज प्रॉफिट की। सो 17 में आपको 70,000 का प्रॉफिट हुआ ईयरली, इसमें 57,000, 67,000, 111,000, 123,000, ठीक है, और लास्ट मंथ में अभी करंट ईयर में 68,000 के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है। जो ड्रॉडाउन की बात करते हैं, सो आप ड्रॉडाउन देखिए 6,000-15,000 आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। इसमें जो कैपिटल यूज़ होगा, क्योंकि हम एटीएम कॉल एंड पुट को सेल कर रहे हैं विथ प्रॉपर एसएल के साथ, सो 1.5 लाख आपका मार्जिन टोटल यूज़ होगा इसमें, ठीक है, और 1.5 लाख के मार्जिन के हिसाब से आप 15,000 का ड्रॉडाउन है, सो वो 10% का ड्रॉडाउन होता है। सो ये किसी भी स्ट्रेटेजी में 10% का ड्रॉडाउन, मतलब 10% या 10% से कम का ड्रॉडाउन है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाएगी। तो ये हमने बातें देख ली हमारे ईयर वाइज। तो ईयर वाइज आप देख सकते हो नियर अबाउट आपको 50-80% का आपको प्रॉफिट देखने के लिए इसमें मिल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डाटा पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल 5 साल में आपको नियर अबाउट 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मतलब आपका जो 1.5 लाख है वो नियर अबाउट उसमें आपको 5 लाख का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, 498,332 रुपीज़, जो कि आपके 1.5 लाख को कम से कम 4 गुना कर दिया है, क्योंकि 1.5 लाख इंटू 5 लाख 7.5 लाख टोटल होता है। सो एक तरीके से 5 गुना पैसे आपके हो गए हैं, ठीक है। सो 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट किए थे और अगर इसको कंटिन्यू रखते तो आज की डेट में आपके 6.5 लाख हो जाते हैं। सो नियर अबाउट 4.5 गुना पैसे आपके हो जाते इन 5 ईयर्स। सो ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपके पैसे डबल हो रहे हैं। चलिए वो सब बातें छोड़ते हैं, बात हम करते हैं कि हमें क्या डाटा देखने के लिए मिल रहा है। टोटल ट्रेड आपके 1453 है, एवरेज प्रॉफिट आपका 350 है, ठीक है, विनिंग रेशियो 57 एंड 43,
ठीक है, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड में आपको 1400-1500 का मिल रहा है, जो लॉस है वो है 1200 के आसपास। मैक्सिमम प्रॉफिट पर सिंगल ट्रेड में आपको मिल रहा है 9800 का, एंड लूजिंग है 3700। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देख, जब आप कमा रहे हो तो काफ़ी अच्छा कमा रहे हो, खोने के लिए आपने काफ़ी कम, क्योंकि हमने ऑलरेडी ओवरऑल स्टॉप लॉस रखा हुआ है। मैक्स ड्रॉडाउन आपको पहले भी बता दिया था, 10% के आसपास का मैक्स ड्रॉडाउन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन 5.5 है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखिए 1:1.3 के आसपास का है, और एक्सपेक्टेंसी 0.3 के आसपास है। कंटिन्यू आपको 12 बार प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, एंड 9 बार आपको इसमें लॉस देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और इसके सारे डाटा आप इस प्लेटफॉर्म से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए डे वाइज आपको सारा डाटा इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। डाउनलोड रिपोर्ट पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, इसको डे वाइज आप चेंज करके भी देख सकते हो। अगर आपको फ्राइडे ट्रेड नहीं करना है तो क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको ऐसे चेक कर सकते हो। लेकिन हम इसको सारा दिन कंटिन्यू ट्रेड करने के हिसाब से देख रहे हैं, तब भी हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओवरऑल हमारा जो किसी भी स्ट्रेटेजी को आप जब डिप्लॉय करते हो, और स्पेशली जब एल्गो को यूज़ करके करते हो, तो आपको एक लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट बेसिस पे इस ट्रेड को करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि किसी मंथ जब आपका ड्रॉडाउन पीरियड चल रहा होगा, सो उसी मंथ आप अगर इसको छोड़ देते हो, और जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको 2022 में इस मंथ में भी लॉस देखने के लिए, इस मंथ में भी लॉस देखने के लिए मिला। ठीक है, फिर मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया, फिर आपको 200 रुपये का लॉस दिया, फिर मार्केट ने प्रॉफिट दिया। ठीक है, अभी ये आपने 6,000 का प्रॉफिट दे लॉस देखने के बाद अगर ट्रेड छोड़ दिया होता, उसके नेक्स्ट मंथ मार्केट ने आपको 22,000 रुपये का प्रॉफिट दिया है। तो ये 22,000 रुपये आपको नहीं मिलते अगर आप यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर देते ट्रेड को। तो कंसिस्टेंट बेसिस पे करना वही मेन की रहता है किसी भी चीज़ में, चाहे आप SIP करो या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करो या कोई भी स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय करते हो। सो स्ट्रेटेजी काफ़ी सिंपल है, आप देखिए नियर अबाउट आपको 50%, अभी इसमें भी देखिए 1.5 लाख आपने यूज़ किया है, और नियर अबाउट 68,000 का प्रॉफिट आपको 2022 में भी मिल गया है। अभी हमारा नवंबर मंथ भी रनिंग है, एंड दिसंबर भी इसमें होने वाला है। सो ये भी इस ईयर भी नियर अबाउट 70,000-75,000 का प्रॉफिट इसमें आपको मिल सकता है। सो ये था आज का स्ट्रेटेजी, काफ़ी सिंपल स्ट्रेटेजी रखा हुआ है हमने, और इस स्ट्रेटेजी का यूज़ आप कर सकते हो। किसी भी स्ट्रेटेजी को डिप्लाई करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर ले लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बनाया था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप आउट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीकली प्रीमियम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें मैं आप वीकली ट्रेड शेयर करता रहता हूँ, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर मैं बाय मंथली ट्रेड भी शेयर करता रहता हूँ, जो फ्री वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो फ्रेंड्स। और कुछ भी क्वेरी है तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सो व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्वेरी छोड़ सकते हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।